पाठ 11 विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। वाक्य में भाव के अनुसार वक्ता या बात कहने वाला कहीं बहुत थोड़े से समय के लिए रुकता है, कहीं उससे कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है, तो कभी किसी शब्द पर वह बल या जोर देता है, कभी प्रश्न पूछता है। बातचीत करते समय आवाज के उतार चढ़ाव आदि से यह ज्ञात हो जाता है कि वक्ता की बात का क्या मतलब है या वह क्या कहना चाहता है। लिखते समय इसके लिए कुछ चिन्हों का सही प्रयोग न होने पर कभी कभी वक्ता की बात का उल्टा अर्थ ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए दो वाक्य देखिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पहले वाक्य में रोकने के लिए कहते हुए ना जाने देने के लिए कहा गया है, क्योंकि अल्प विराम रोको के बाद लगा है। दूसरे वाक्य में रोकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि अल्प विराम रोको मत के बाद लगा है। दोनों वाक्य एक समान हैं। विराम चिन्हों के अलग अलग स्थानों पर प्रयोग के कारण अर्थ में बहुत अंतर हो गया, अतः इनके प्रयोग में सावधान रहना होता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम। अल्प का अर्थ है थोड़ा। वाक्य में जहाँ कहीं थोड़े से समय के लिए रुकना आवश्यक हो, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अनीता, सुनीता और संगीता चली गई हैं। शीघ्र स्टेशन पहुँच जाओ, गाड़ी आने ही वाली है। पूर्ण विराम, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तितली उड़ रही है, मोर नाच रहा है, रवि और मोहन खेल रहे हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिन वाक्यों या शब्दों के द्वारा आश्चर्य, घृणा, दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं, उनके अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह को लगाया जाता है, जैसे वाह मजा आ गया, शाबाश। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। छत पर कौन चढ़ा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो।